तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। पिछले दो दिनों से एक तो फांसी जल्लाद आप लोगों की फरमाइश पे उस दिन कहानी रिकॉर्ड की गई थी, दिन कल की भी रिकॉर्डेड थी क्योंकि और भी बहुत सारे कुछ चीज़ें आ गई थी अचानक, लेकिन आज लाइव है, आपसे बातचीत भी होगी। कुछ लोगों के मैं मेल सवाल सुझाव सारी शिकायतें वो भी लिख कर लाया हूँ, फरमाइशें भी हैं। बाकी आजकल जो स्टोरी चल रही है, कायदे से अगर क्राइम की दुनिया की बात करें तो एक ही खबर है और वो है स्वामी चिन्मयानंद, जो शाहजहाँपुर यूपी का मामला है जिसमें उनका एक लॉ कॉलेज चलता है और उसी की एक लड़की ने, जिसके सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियो भी वायरल हैं जो मसाज कराते हुए हैं और देश के पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, स्टेट होम मिनिस्टर, एमपी रहे हैं कई बार, तो ऐसे पद पे और इतने बड़े शख्स की ऐसी तस्वीरें आती हैं तो थोड़ी शर्मनाक होती ही है। मामले की SIT जांच हो रही है, लेकिन SIT के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि अभी तक स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ गिरफ्तारी छोड़िए FIR क्यों नहीं दर्ज किया गया, क्योंकि आमतौर पर देखा गया ऐसे बहुत सारे मामले में जहाँ पर अगर सामने वाला ताकतवर ना हो, उसके ज़्यादा पावरफुल ना हो, तो आराम से पुलिस उठा लेती है, किसी लड़की के बयान पे ही गिरफ्तार करके अंदर डाल देती है। लेकिन यहाँ एक लड़की बार बार बयान दे रही है, वीडियो सामने है, लेकिन FIR में अभी तक रेप दर्ज करने की भी बात नहीं हुई है और SIT कह रही है कि वो अभी जाँच ही कर रही है। हालांकि 23 सितंबर को SIT को अपनी स्टेटस रिपोर्ट, अब तक जो जाँच हुई है वो कोर्ट को जमा करनी है, कोर्ट में देना है, तो पता चलेगा 23 तक की स्वामी चिन्मयानंद का क्या होगा। तो यही स्टोरी एक चल रही है क्राइम में और इसी पे हम लोग भी लगे हुए हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं जो सच्चाई है वो सामने रखें। बाकी आज की कहानी पे आते हैं। अच्छा, उस शाहजहाँपुर की एक और भी चीज़ है जहाँ से स्वामी चिन्मयानंद और जिस लड़की ने इल्ज़ाम लगाया, अजीब एक बात है इस शाहजहाँपुर के साथ कि 5-6 साल पहले या उससे शायद ज़्यादा हो गया, जब आसाराम बापू पे इल्ज़ाम लगा था रेप का और उसके बाद से वो जोधपुर जेल में बंद है, तो उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया था जिस लड़की ने, वो लड़की भी इत्तेफाक से शाहजहाँपुर की ही रहने वाली थी और शाहजहाँपुर में जाने के बाद ही उसने अपने माँ बाप को बताया और फिर दिल्ली में 0 FIR हुई और उसके बाद फिर आसाराम बापू को गिरफ्तार किया गया। तो ये दूसरा केस है शाहजहाँपुर की, किसी लड़की ने किसी बड़े शख्स पर रेप का इल्ज़ाम लगाया और ये दूसरी लड़की जो शाहजहाँपुर में है वो भी स्वामी चिन्मयानंद जैसी हस्ती पर उसने लगाया, तो एक अजीब कनेक्शन है इसका। अब कहानी की बात, ये कहानी भी इत्तेफाक से शाहजहाँपुर की तो नहीं है लेकिन उसी यूपी की है और शाहजहाँपुर से बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है, जौनपुर की बात है। जो उस इलाके में बहुत सारे एक से एक यूपी के डॉन और क्रिमिनल की आपको कहानी सुना चुका हूँ, इस डॉन की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि ये इकलौता डॉन है जो इस मकाम तक पहुंचा जिसके ऊपर 7 लाख रुपए तक का इनाम था, कई अलग अलग स्टेट पुलिस ने रखा हुआ था इनाम। उसकी मौत होती है जेल के अंदर और वो भी जेल के अंदर गोली से, तो इससे ये भी पता चलता है कि हमारे हिंदुस्तान में जेल की हालत क्या है और ये जेल भी यूपी में ही थी, तो यूपी के जेल की तस्वीरें बीच बीच में रुक रुक कर आती रहती हैं तमाम अय्याशियों की, हथियार लहराते हुए, अंदर डांस करते हुए, मोबाइल पर बात करते हुए, पार्टी करते हुए, तो जहाँ ऐसी चीज़ें होंगी वहाँ पे अंदर में गोलियाँ भी चलेंगी और इस डॉन की मौत भी वहीं हुई। बात कर रहा हूँ मैं मुन्ना बजरंगी की। मुन्ना बजरंगी से मुझे मिलने का एक बार मौका मिला था, वो भी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, और वो भी कहानी अपने आप में अजीब है बहुत। 1998 की बात है, तब तक मुन्ना बजरंगी को कई मामलों में यूपी पुलिस ढूंढ रही थी और यूपी की STF खासतौर पर स्पेशल टास्क फोर्स जो ऐसे डॉन के पीछे पड़ी रहती है वो भी उसके पीछे थी। तो 1998 में STF को पता चलता है कि मुन्ना बजरंगी कहीं दिल्ली और यूपी बॉर्डर के आसपास है, तो वो दिल्ली पुलिस की मदद लेती है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम थी जो आमतौर पे टेररिज्म या ऐसे इनकाउंटर इन चीज़ों में माहिर है, तो इन लोगों को पता चला और इन लोगों ने दिल्ली में एक समयपुर बादली इलाका है वहाँ पर मुन्ना बजरंगी को घेरा, दोनों तरफ से गोलियाँ चली, इनकाउंटर हुआ और मुन्ना बजरंगी और पुलिस के बीच में हुई फायरिंग में मुन्ना बजरंगी को गोली लग जाती है और एक दो गोली नहीं लगती बल्कि उसको 7 गोलियां लगती हैं और उसके साथ उसका एक दोस्त था उसको भी गोली लगती है। करीब 7 गोली मुन्ना बजरंगी को लगती है, 4 गोली उसके दोस्त को लगती है। इसके बाद यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था
वो देखते हैं मुन्ना बजरंगी को, उन्हें यकीन हो गया कि मुन्ना बजरंगी मर चुका है। इसके बाद वो उसे गाड़ी में डालते हैं, और गाड़ी में डालने के बाद चूँकि ऐसे इनकाउंटर ये जो सरकारी चीज़ें होती हैं तो आप सरकारी हॉस्पिटल में ही ले जा सकते हैं, प्राइवेट में नहीं, ये कानून है, नियम है। तो मुन्ना बजरंगी और उसके साथी को उठाकर आरएमएल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और वहाँ पे पुलिस ने लगभग ये सारे, उस वक्त मीडिया में भी खबर आ गई कि एक इनामी बदमाश और ये मुन्ना बजरंगी मारा गया इनकाउंटर में, तो पुलिस सर्किल में भी ये खबर चल गई कि मुन्ना बजरंगी जो बजरंगी है एक क्रिमिनल बहुत बड़ा, वह मुठभेड़ में मारा गया। और मुन्ना बजरंगी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, ये लोग मुर्दा समझ कर ही। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है, उसके डॉक्टर आते हैं, अटेंड करते हैं, चेक करते हैं, तो उसका साथी तो मारा जाता है, लेकिन मुन्ना बजरंगी डॉक्टर को देखते ही पहली बार उसको जब एहसास हुआ कि उसके आसपास डॉक्टर और वो हॉस्पिटल में है, वो अपनी आँखें खोल देता है अचानक। जब वो आँखें खोलता है तो सारे पुलिस वाले भी घबरा जाते हैं, फिर डॉक्टर भी, उसे फ़ौरन फिर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, ऑपरेशन होता है, और 7 गोली खाने के बावजूद मुन्ना बजरंगी बच जाता है। बाद में कहानी पता चली कि जब पुलिस ने इनकाउंटर किया और 7 गोली लगी और मुन्ना बजरंगी गिर गया, तब भी उसके अंदर जान बाकी थी और वो पुलिस वालों की बातें सुन रहा था। मुन्ना बजरंगी को लगा कि अगर उसने अपनी आंखें खोली या वो ज़रा कराहा या कुछ और उसने ऐसा सिग्नल दिया कि वो ज़िंदा है, तो शायद 2-4 गोली और उसे ठोक दिया जाएगा और वो मर जाएगा। तो अपनी जान बचाने के लिए उसने मुर्दा बनने की एक्टिंग की, और वहाँ स्पॉट से उसने अपनी आँखें बंद कर ली, सांस भी धीरे धीरे ले रहा है, और पुलिस को लगभग यकीन हो गया, अंधेरा भी था, शाम को इनकाउंटर हुआ था, कि ये मर चुका है, और वो उसको मुर्दा समझ के हॉस्पिटल लेकर आए थे। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा और उसके कानों में डॉक्टर की और बाकी जब दूसरे लोगों की भी आवाज़ आई, पूरी गाड़ी में भी जब वो बैठा हुआ था खामोश था, तब उसने अचानक अपनी आँखें खोली और इस तरीके से फिर अब हॉस्पिटल में था, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर सिर्फ डॉक्टर उसकी जान ही बचा सकते थे, तो डॉक्टर ने वही अपना फ़र्ज़ निभाया और मुन्ना बजरंगी की जान बच गई। तो कमाल ये देखिए कि एक इनकाउंटर में जिसमें 7 गोली खाने के बावजूद मुन्ना बजरंगी बच गया। उसी दौरान जब वो हॉस्पिटल में रिकवर हो रहा था और ठीक हो रहा था, तो हम लोगों को एक दिन पता चला, उस वक्त एक DCP थी, लेडी थी, महिला थी, और अच्छी बहुत थी 1998 में, और मैं नया नया क्राइम रिपोर्टिंग में आया था, तो बहुत ही शालीन और बहुत ही मतलब हेल्पफुल थी नेचर की। तो हम लोगों को पता चला कि वो DCP जो है वो उनको, वो एक दिन मुन्ना बजरंगी को कटसी के तौर पे देखने गई कि क्या है ये उसके, क्योंकि उसके बाद फिर बाकी की कवायद पूरी होनी थी, कोर्ट और ये वो गिरफ्तारी। तो जब वो मुन्ना बजरंगी के पास हॉस्पिटल में पहुंची, जिस वार्ड में वो भर्ती था, वो उसके सामने जाके उन्होंने पूछा कि कैसे हो तुम मुन्ना, तो वहाँ पर और भी 2-3 पुलिस वाले खड़े हुए थे, चूँकि वार्ड के अंदर मुन्ना बजरंगी जैसे क्रिमिनल के लिए, क्योंकि वो ख़तरनाक भी था। तो मुन्ना बजरंगी पलट के उन DCP साहिबा से कहता है कि मैडम आपने ठीक नहीं किया, आप लोगों ने मुझे इतनी गोली मारी है, तो बाहर जैसे ही आऊँगा तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इस बात से कहते हैं वो DCP जो थी वो बुरी तरह से घबरा गई एकदम, और चूँकि बहुत ज़्यादा साल भी उनको नहीं हुआ था, जो बाकी पुलिस वाले थे जो पुराने तजुर्बेकार थे, फिर उन्होंने मुन्ना बजरंगी को अड़काया कि अरे ये मैडम, एक तो तुमको देखने के लिए आई, तुम्हारी खैरियत पूछने आई, और तुम उनको धमकी दे रहे हो, और DCP घबरा गई थी। तब कहते हैं कि मुन्ना बजरंगी ने फिर हंस के कहा कि मैडम मजाक कर रहा हूँ, आप अच्छी हैं, आपने हमारे लिए हमें देखने आई, तब जाकर थोड़ी वो नॉर्मल हुई। तो ये किस्सा था, सोर्स था, उसने बताया। फिर मैंने कहा यार मुझे भी मिलना, तब फिर हम लोग गए वहाँ, और उस वक्त इतना चूँकि मीडिया में इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, TV या न्यूज़ चैनल की बाढ़ नहीं थी, और उस वक्त पुलिस और क्राइम रिपोर्टर का रिश्ता था जो बड़ा भरोसे पे हुआ करता था, तो ये भी नहीं था कि कोई कहीं घुसकर कुछ ऐसी चीज़ें करते जिससे वो एक दोनों का भरोसा टूटे। तो उन्हें मालूम था ये उस वक्त कैमरा और ये सारी चीज़ों का मतलब भी नहीं था, क्योंकि प्रिंट से थे, अखबार से थे, और जनसत्ता में था मैं, तो आसानी से मुलाकात हो जाती थी, बात हो जाती थी, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें होती थी। तब पहली बार मैं मिला था, जब उसके पूरे बदन पे जगह जगह वो बैंडेज और पट्टियाँ सब बंधी हुई थी, उसको देख के लगा नहीं था मुझे कभी कि मुन्ना बजरंगी इतना ख़तरनाक क्रिमिनल है। हालांकि 98 के बाद वो ज़्यादा डेंजरस हुआ, जो उसने सारे कारनामे अपने अंजाम दिए, जो सारे बड़े बड़े क्राइम को उसने जो अंजाम दिया वो 98 के बाद था। तो 98 में मौत के दरवाजे तक पहुँच के मुन्ना बजरंगी वापस आता है, और फिर तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है, जहाँ से वो 2002 में रिहा कर दिया जाता है। तो ये तो वो पार्ट कहानी का। अब
मुन्ना बजरंगी था कौन, कैसे बना, क्या था, इसकी कहानी है। तो जौनपुर यूपी में एक इलाका है, उस जौनपुर में एक ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है पूरे दयाल गांव। तो पूरे दयाल गांव में किसान के घर में पैदा हुआ। इसके पिता जो है किसान थे, चाहते थे पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे, लेकिन मुन्ना बजरंगी जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, कुछ लोगों के साथ आसपास के सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देखने की आदत लगी, और फिर धीरे धीरे ऐसे लगा कि थोड़ी सी हवाबाजी टाइप की कोई चीज़ करूं, मतलब लोग थोड़ा डरे मरे। तो इस वजह से उसकी थोड़ी भाईगिरी में और इन चीज़ों में शौक ज़्यादा बढ़ता गया, और उसने पाँचवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। फिर उसने कुछ दिन के लिए कालीन का काम किया, किसानी भी नहीं की, लेकिन गलत सोहबत में पढ़ते पढ़ते फिर ये धीरे धीरे मारपीट और यही सब करने लगा। 17 साल की उम्र में कहते हैं कि इसकी घर वालों ने शादी कर दी थी, और जब शादी की उस वक्त इसके पास पैसे थे। 250 रुपये में इसने पहला कट्टा ख़रीदा था, देसी कट्टा, 1998 की ही बात है, इस एनकाउंटर से कुछ पहले नहीं, उससे थोड़ा और पहले की बात है। तो उसमें जब देसी कट्टा ख़रीदा 250 रुपये में, तो शादी के फौरन बाद कुछ ही दिनों बाद इसके चाचा की उसी गांव में किसी एक शख्स से लड़ाई हो गई, और उस लड़ाई के दौरान में इसके चाचा को उसने गाली वाली दे दी। मुन्ना बजरंगी को ये बात पता चली, वो अपने उसी 250 रुपये के कट्टे को लेकर उसके पास पहुंचा और उसने सीधे गोली चला दी, उसकी मौत हो गई। और पहली बार 17 साल जब ये बालिग भी नहीं हुआ था, कत्ल के मामले में इसके खिलाफ मुकदमे की जो कार्रवाई है वो शुरू होती है। पहला क्राइम पुलिस डिक्शनरी में, पुलिस की रजिस्ट्री में जौनपुर में इस कत्ल का लिखा जाता है। चूँकि नाबालिग था तो बहुत दिन तक जेल में रहता नहीं है, फिर बाहर आ जाता है। फिर धीरे धीरे ये गुंडागर्दी, धमकाना, लड़ाई, झगड़ा, ये सारे काम शुरू कर देता है। इसी बीच में चूँकि इसे एक शौक़ था कि एक बड़ा क्रिमिनल बनना, भाई बनना, और उस वक्त तक के जो बाकी दबंग थे बड़े बड़े उनको फॉलो भी करता था, उसमें एक नाम था मुख्तार अंसारी का। तो मुख्तार अंसारी कैसे मालूम था उस इलाके में, तब तक मुख्तार अंसारी का ये हो गया था कि क्राइम की दुनिया से निकल कर मुख्तार अंसारी ने राजनीति में भी कदम रखा था, विधायक भी बने। तो ये मुख्तार अंसारी के गैंग में फिर मुन्ना बजरंगी ने एंट्री मारी। उसने कहा कि आगे बढ़ना है तो मुख्तार अंसारी का साथ चाहिए। उस वक्त मुख्तार अंसारी को अपने सरकारी रेलवे और तमाम ठेके, चूँकि उन सारी चीज़ों के लिए ही मुख्तार अंसारी उस वक्त काम कर रहा था, तो कोई ऐसा बंदा भी चाहिए था। तो मुन्ना बजरंगी के इस कत्ल और बाकी की कहानियाँ भी मुख्तार अंसारी तक पहुँची। फिर मुख्तार अंसारी ने मुन्ना बजरंगी को अपने साथ रख लिया, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि एक वक्त आया कि मुख्तार अंसारी का मेन शूटर जो है वो मुन्ना बजरंगी बन गया। मुख्तार अंसारी के इशारे पे मुन्ना बजरंगी ने सारे क्राइम करने शुरू कर दिए, और ये दोनों बेहद करीब आ गए। बीच में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि राइवल गैंग से इनकी भिड़ंत हो गई, और उस राइवल गैंग के साथ लड़ाई में मुन्ना बजरंगी को भी गोली लग गई। और कहते हैं कि उसके बाद मुख्तार अंसारी ने मुन्ना बजरंगी का बड़ा ख्याल रखा, उसके वहाँ पर उस वक्त जान भी बचाई, फिर उसका इलाज ठीक से किया। तो इन चीज़ों ने मुन्ना बजरंगी को और मुख्तार अंसारी के करीब कर दिया। फिर इन दोनों की जो जुगलबंदी थी वो चलने लगी, और चलते चलते अब ये एकदम मुख्तार अंसारी का मुन्ना बजरंगी एक तरह से राइट हैंड हो गया और मेन शूटर। मुख्तार अंसारी को अपने दुश्मनों से धमकाना, निपटाना वो मुन्ना बजरंगी देखने लगा। मुन्ना बजरंगी का अब तक नाम हो चुका था, लेकिन असली नाम, मुन्ना बजरंगी के बारे में जो असली दहशत फैली वो 2005 में, जिस धंधे में मुख्तार अंसारी था, चाहे वो रेलवे के या बाकी ठेका में, कोयला, रेलवे, उगाही, धमकी, उसी में एक और धीरे धीरे कृष्णा नंदराय नाम आया, जो बीजेपी के, वो भी फिर दबंग होने के बाद चुनाव लड़ा और एमएलए बन गए, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी। तो इन दोनों की भी आपस में दुश्मनी होने लगी, क्योंकि एक ही बार में दोनों एक ही जगह एक ही टेंडर को लेने के लिए, एक ही ठेका को लेने के लिए पहुंच जाते, बोली लगती, एक ही तरह से धमकाते, तो दुश्मनी इतनी धीरे धीरे बढ़ गई, एक दूसरे को ये लोग कंपटीटर मानने लगे, और फिर कई बार हमला भी हुआ एक दूसरे के गैंग पे, उसमें कुछ लोग मारे गए। तब कहते हैं ये है कि मुख्तार अंसारी ने मुन्ना बजरंगी को ये काम सौंपा कि कृष्णा नंदराय का काम तमाम कर दो, और इसी के बाद 29 नवंबर 2005 को लखनऊ के करीब पूरी प्लानिंग के साथ
मुन्ना बदरंगी अपने लोगों के साथ पहुंचा और उसने कृष्णानंद राय की गाड़ी को घेर कर, कहते हैं कि यूपी के इतिहास में इससे ज़्यादा कभी गोलियां नहीं चली थी, लगभग 400 राउंड फायरिंग हुई दोनों तरफ से। अकेले 40 से 60 के करीब तो कृष्णानंद राय की बॉडी से बुलेट निकले थे, इतनी गोलियां मारी गई थी। इस कृष्णानंद राय और उनके साथ जो लोग थे, मौत के बाद यूपी में जाहिर सी बात हंगामा मच गया। एक एमएलए का दिन दहाड़े इस तरीके से कत्ल के 47 का इस्तेमाल, 400 राउंड गोलियां चलनी, 50 से 60 गोलियां अकेले एमएलए के जिस्म से निकलना। तो फिर उसके बाद मुख्तार अंसारी का भी नाम आया था, हालांकि अभी हाल में ही एक फैसला आया जिसमें कृष्णानंद राय के हत्यारे के तौर पर मुख्तार अंसारी को अदालत ने बरी कर दिया। तो मुन्ना बजरंगी का भी नाम था। तो इस कृष्णानंद राय के मर्डर के बाद मुन्ना बजरंगी की एक दहशत सी हो गई और उसके बाद फिर मुन्ना बजरंगी यूपी से निकलकर बिहार और बाकी जगहों पे भी वारदात को अंजाम देने लगा। कहते हैं कि मुन्ना बजरंगी के ऊपर 40 से ज़्यादा कत्ल के इल्ज़ाम थे और उसने ज़्यादातर कत्ल यूपी और बिहार इन जगहों पे किया और इसी धंधे के बीच में अपने राइवल को निपटाने के लिए किया। धीरे धीरे कद इतना बढ़ा कि मुन्ना बजरंगी फिर यूपी पुलिस के लिए, एसटीएफ के लिए एक सिरदर्द बन गया और लगा कि इसको रोकना पड़ेगा। इसके बाद एसटीएफ यूपी पुलिस मुन्ना बजरंगी के पीछे पड़ गई। अब मुन्ना बजरंगी को लगा कि यूपी और बिहार में उसे खबर मिली कि अगर वो पकड़ा गया तो सीधा उसका एनकाउंटर हो जाएगा, इसलिए उसने यूपी छोड़ दिया। वो कुछ दिन दिल्ली रहा, फिर दिल्ली से भी वो निकल गया और मुंबई पहुंच गया। कहते हैं मुंबई से वो दुबई भी गया बहुत बार, अंडरवर्ल्ड के लोगों से भी मिला और धीरे धीरे उसके कनेक्शन बने। फिर वो वापस मुंबई आया और मुंबई में रहने लगा। बट उसे मालूम था कि यूपी पुलिस या एसटीएफ जिस दिन भी पकड़ेगी उसको उसका एनकाउंटर कर देगी। इस दौरान में मुन्ना बजरंगी के दिमाग में ये भी आने लगा कि जिस तरीके से बाकी क्रिमिनल, चाहे वो कृष्णानंद राय हों, मुख्तार अंसारी हों, ब्रजेश हों और भी हों, तिवारी हों, इन लोगों ने क्राइम की दुनिया के साथ पॉलिटिक्स की दुनिया में भी कदम रखा और इनकी सारी चीज़ें बदल गईं, तो उसे लगा कि मैं भी अब जो है पॉलिटिक्स का दामन थामता हूँ और राजनीति में आता हूँ। तो इसके लिए उसे लगा कि राजनीति में आने के लिए और एमएलए या एमपी बनने के लिए पहले ये है कि अपनी जान बचाऊँ, एनकाउंटर से बचूँ। तो ऑफिशियली तो नहीं है लेकिन अनऑफिशियली ये बात सच है, सभी जानते हैं। ये जब यूपी पुलिस से छुपता फिर रहा था, कभी मुंबई दुबई, 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने अचानक एक दिन खबर आती है कि मुंबई पुलिस की मदद से मुंबई के मलाड इलाके से मुन्ना बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया, जो 7 लाख का इनामी क्रिमिनल है। अब ये बात बड़ी अजीब थी कि दिल्ली पुलिस की भी वही स्पेशल सेल, वो स्पेशल सेल जिसने 1998 में मुन्ना बजरंगी को एनकाउंटर किया था, 7 गोलियां लगी थी फिर भी वो बच गया था। तो उसी स्पेशल सेल जिस स्पेशल सेल के साथ एसीपी राजबीर जुड़े रहे, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जुड़े रहे, तो मुंबई से गिरफ्तार किया जाता है। मुंबई से गिरफ्तार करने के बाद उसे दिल्ली लाया जाता है और दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा जाता है। उसके बाद खबर ये आती है कि असल में मुन्ना बजरंगी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि ये मुन्ना बजरंगी की प्लानिंग थी। वो उसे मालूम था कि अगर यूपी पुलिस के वो हाथ चढ़ा तो वो सीधे उसका एनकाउंटर कर देंगे। तो एनकाउंटर ना हो और उसकी जान बच जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि किसी और पुलिस के वो हत्थे चढ़ जाए, वो उसे पकड़ ले। ऐसा क्राइम की दुनिया में कई बार होता है, कई बार क्रिमिनल जान बचाने के लिए सरेंडर करते हैं लेकिन उस पुलिस के आगे जिस पुलिस से उसे मालूम है कि ये मारेगी नहीं। तो कहते हैं कि अपना टिप ऑफ, एक पूरी सेटिंग खुद मुन्ना बजरंगी ने की और उसके बाद पुलिस के साथ उसने बताया कि मैं कहाँ हूँ, पुलिस आई और इसी शर्त पे कि वो मारेगी नहीं, उसके बाद वो दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा। अब जाहिर सी बात है दिल्ली में उसके बहुत ज़्यादा क्राइम नहीं थे, तो इसलिए दिल्ली पुलिस को यूपी पुलिस को सौंपना था। दिल्ली पुलिस ने बाद में यूपी पुलिस को सौंप दिया, लेकिन यहाँ फ़र्क ये था कि अब चूंकि ऑफिशियली मुन्ना बजरंगी यूपी पुलिस को सौंपा गया है तो उसका एनकाउंटर नहीं हो सकता था, वरना पुलिस के ऊपर सीधे उंगली उठती, शक उसी पे जाती। तो पुलिस मजबूर थी, मुन्ना बजरंगी का एनकाउंटर नहीं कर सकती थी, बल्कि रास्ता यही था कि अब कानूनी रास्ते से वो उसके खिलाफ़ मुकदमा चलाए। इसके बाद मुन्ना बजरंगी को ले जाया गया, अलग अलग जगहों पर उसके तमाम मुकदमे थे, तारीख पर तारीख लगती रही और उसको लेकर वो जाते रहे। और मुन्ना बजरंगी जेल में था, इसी जेल में रहने के दौरान उसने फिर प्लान किया कि वो इलेक्शन लड़ेगा, पॉलिटिक्स में आएगा। एक बार उसने ट्राई भी किया एक विधानसभा का चुनाव, लेकिन बुरी तरह हार गया। फिर उसने अपनी बीवी को भी टिकट दिलाने की कोशिश की, बल्कि विधानसभा का चुनाव लड़वाया, बीवी भी हार गई।
इस दौरान मैं अलग अलग जेलों में रहा, मुकदमे की सुनवाई के लिए इसको अलग अलग जेलों में लेकर जाते रहे। पर ये जेल में रहते हुए भी कहते हैं मुन्ना बजरंगी की दबंगई जारी थी, वो जेल से भी लोगों को धमकाता था, वसूली करता था, उसका पूरा धंधा चल रहा था। ऐसे ही जेल से एक इसने धमकी दी थी जो बीएसपी के विधायक लोकेश दीक्षित को, पैसे मांगे थे कुछ वसूली का, तो उसका भी एक मुकदमा चल रहा था, लोकेश दीक्षित ने कंप्लेंट कर दी थी। तब मुन्ना बजरंगी झांसी जेल में बंद था, तो लोकेश दीक्षित ने जो शिकायत की थी वो जुरिस्डिक्शन आ रहा था बागपत का। तो इसी केस में सुनवाई के लिए 8 जुलाई को मुन्ना बजरंगी को झांसी जेल से बागपत जेल लेकर आया गया, अगले दिन उसे कोर्ट में पेश होना था। लेकिन बागपत जेल में लाने के बाद, और ये बात कई लोगों को पता थी कि मुन्ना बजरंगी की तारीख है, पेशी है और वो यहाँ लाया जाएगा, तभी जब ये जेल में आया वहाँ 9 जुलाई 2018 को जेल के अंदर जहाँ कैदी हाथ मुंह धोते हैं अचानक गोलियाँ चलने की आवाज़ आती है। थोड़ी देर के बाद पता चलता है मुन्ना बजरंगी को गोली लगी है, वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। गोली मारने वाला था वो एक दूसरा क्रिमिनल था जिसका नाम था सुनील राठी, उसके साथ इसकी दुश्मनी पुरानी भी थी। बट कहते हैं कि सुनील राठी और इसकी दुश्मनी की वजह से गोली नहीं लगी बल्कि एक प्लानिंग था और ये एक साजिश बड़े ऊँचे लेवल की थी। और बागपत जेल के अंदर, सोचिए आप, जेल के अंदर कैदी है और वहाँ पे भी एक कैदी के पास पिस्टल है, वो उससे मुन्ना बजरंगी जैसे क्रिमिनल को गोली मार रहा है। तो मुन्ना बजरंगी को गोली मारी जाती है, उसको फौरन फिर ले जाया जाता हॉस्पिटल, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी होती। 7 गोली खाकर भी मुन्ना बजरंगी एनकाउंटर में बच गया था, लेकिन यहाँ पर नज़दीक से सही निशाने पर लगी गोली जेल के अंदर वो भी मुन्ना बजरंगी की जान ले लेती है। सुनील राठी को फिर पकड़ा जाता है, पूछताछ होती है, सब कुछ होता है, जेल के जो जेलर सुपरिंटेंडेंट कई इसमें सस्पेंड भी कर दिए जाते हैं। लेकिन जो काम होना था वो हो गया। इसमें यह भी कहा गया था कि मुन्ना बजरंगी को जेल के अंदर निपटाने के लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे और ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत सब कुछ हुआ। तो इस तरीके से एक डॉन जो जिसने लगभग 20 से भी ज़्यादा सालों तक क्राइम की दुनिया में अपना कदम रखा, तेज़ी से आगे बढ़ा, मुख्तार अंसारी का मेन शूटर बना, 7 गोली खाकर जिंदा बचा, मुंबई पहुंचा, दुबई पहुंचा, दूसरे स्टेट की पुलिस से सेटिंग करके सरेंडर कराया, गिरफ्तार हुआ, और आखिर में उसके ये भी कहते हैं कि उसका जेल में धीरे धीरे करके जो सारे मामले थे, गवाहों को धमका कर या फिर सबूत हटा कर या गवाहों को पलटा कर, उन चीज़ों से बरी हो रहा था। उसका प्लान यही था कि वो एक बार बेल पे बाहर आएगा और उसके बाद, चूँकि सजा याफ्ता किसी में था नहीं, उसके बाद वो चुनावी मैदान में फिर से उतरेगा और वो अब खादी के कपड़े, और इसीलिए उसने सफ़ेद कपड़े भी पहनने शुरू कर दिए थे नेताओं की तरह। लेकिन ये हसरत उसकी अधूरी रह गई, जेल के अंदर ही एक डॉन की मौत हो गई। ये थी पूरी कहानी मुन्ना बजरंगी की। और आखिर में आपको ये बता दूं कि मुन्ना बजरंगी वो डॉन था जिसने अपना नाम खुद रखा था, मुन्ना बजरंगी। दरअसल मुन्ना बजरंगी उसका नाम नहीं था, उसके माँ बाप ने उसका नाम प्रेम प्रकाश रखा था और वो चाहते थे कि वो अच्छा इंसान बने। प्रेम प्रकाश ने जब पहला कत्ल, पहला गुनाह किया, उसका धीरे धीरे उसका नाम होने लगा, तब उसने अपना नाम खुद रखा मुन्ना बजरंगी। तो अपना नाम खुद रखने वाला ये वो डॉन था। ये थी पूरी कहानी, कुछ लोगों की मैं लिख कर आया हूँ। आज प्रथम है हमारे साथ, प्रथम से सवाल जवाब लूँ, उससे पहले मैं नोट जो करके लाया हूँ। कविता सूद जी हैं, इन्होंने अभी जो कहानी थी गूगल अर्थ की, उनको पसंद आई, तारीफ की, थैंक यू कविता जी। मायरा खुराना है, थैंक यू मायरा जी। इन्होंने कुछ वहाँ के जो जगह का नाम था उसमें कुछ मैंने गलत पढ़ा था, तो गलती की तरफ इन्होंने ध्यान दिलाया, थैंक यू। आप लोग इसी तरह गलती भी सुधारते रहें, अच्छा लगता है। आद्रियान है, इसके अलावा प्रेम सागर, शुभम सतपति, राज बन्ना, एक हमारे बड़े ख़ास हैं क्राइम तक फैमिली के, इनके कई दिनों से मेल आ रहा था, बीच में लगभग बहुत दिन हो गया। इनका ये था कि इनकी फरमाइश थी कि ये राजस्थान के ज़िला भीलवाड़ा के गाँव गेंदोलिया, अगर मैंने सही नाम लिया हो तो, वहाँ से हैं और ये सारे दोस्त एक साथ बैठकर क्राइम तक की कहानी सुनते हैं। राजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, अभय सिंह, देवराज सिंह, रविंदर सिंह, संजय सिंह, राजवीर सिंह और भडेर भाटी। तो पूरी आप तमाम लोगों का थैंक यू दिल से एकदम। इसके अलावा अमन गुलेरिया है, ये भूत प्रेत और बाकी चीज़ों की कहानी सुनना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक, जादू टोना, जल्दी सुनाता हूँ अमन जी। अंकिता त्रिपाठी हैं,
इन्होंने भी बड़ा खूबसूरत मेल लिखा है और इनकी वजह से अब इनके हस्बैंड भी क्राइम तक की कहानियाँ सुनते हैं, तो थैंक यू अंकिता जी। संतोष जोशी हैं, हुमायरा सिद्दीकी हैं, अब्बास ये कैद से जो हिंदुस्तानियों को बचा कर लाया गया तो उसकी कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ अब्बास साहब। डेविड सिंडाला हैं, सुनील विकी हैं, इसके अलावा बैरी गंजन मोहंती हैं, बैरी गंजन मोहंती, रजत केसवानी केसरवानी, शेखर ठाकरे, अजिंक्या सोलंके, अमित सागर, सचिन पुंडीर, शबाना उसगांवकर और जयेंद्र शंकर दुबे। तो आप तमाम लोगों का थैंक यू, शुक्रिया। और आपकी जो फरमाइश है कहानी नोट कर लिए, जल्दी आपको सुनाऊंगा। आज हमारे सामने चूँकि दीपक आसम वरीता ये सब अभी मौज कर रहे हैं, गोवा गए हुए हैं, आज दूसरा दिन है, शायद परसों लौटेंगे। तो प्रथम है हमारे साथ, प्रथम बताओ फटाफट। सवाल है कि बजरंगी को शरीर के किस हिस्से पर गोली लगी थी? जय प्रमाण साहब, सीने पे गोली लगी थी, इसके अलावा उसके पेट के निचले हिस्से में गोली लगी थी, कमर पे गोली लगी थी, पैर के पास भी गोली लगी थी। रजत केसरवानी साहब, सुनील राठी भी एक क्रिमिनल है, यूपी का क्रिमिनल है, लेकिन इसके बारे में पूरी जो इसकी कुंडली है वो मैंने खंगाली नहीं अभी। अजीत अवस्थी का सवाल है, क्या बच्चों के साथ सुन सकते हैं आपकी कहानी? वो बड़ा जिद करते हैं सोते समय। अजीत जी, ये आपने अच्छा सवाल किया, मुझे लगता है कि कई कहानियाँ ऐसी हैं जो बच्चे सुन सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों की तरफ से भी ऐसा हो कि कोई ऐसा इशारा दे दिया जाए तो मैं कोशिश करूँगा कई बार कि अगर मुझे लगता है किसी दिन, हालांकि हर दिन ऐसी मैं खौफनाक डराने वाली कहानी नहीं सुनाता हूँ, हालांकि क्राइम वैसी बुरी होती है, लेकिन अगर मुझे जिस दिन लगेगा आपने अच्छी बात कही तो मैं शुरू में ही बता दूंगा कि आज ये जो है बच्चे कहानी ना सुने, आज बच्चे कहानी सुन सकते हैं। नज़ीर मोहब्बत का सवाल है, मुन्ना और मुख्तार करीबी थे क्या? नज़ीर साहब, मैंने बिल्कुल अभी बताया कि मुख्तार अंसारी का जो मेन शूटर था वो मुन्ना बजरंगी ही था, और मुन्ना बजरंगी जो है मुख्तार अंसारी के इशारे पे सारा काम कर रहा था। आरिफ सिद्दीकी जानना चाहते हैं, मुख्तार अंसारी बाइज़त बरी क्यों हो गया? आरिफ साहब, मुख्तार अंसारी को श्री जो कृष्णा नंदराय मामले में बरी किया गया, क्योंकि अदालत का मानना था कि कोई ऐसा सबूत या कोई ऐसा गवाह नहीं मिला जो कि इस कत्ल से सीधे लिंक जोड़ सके। अनुज मिश्रा जी कह रहे हैं कि जिला प्रतापगढ़ की क्राइम की कहानियां भी सुनाइए, कई सारी कहानियां। अनुज जी, मैं जल्दी जिला प्रतापगढ़ की सुनाता हूं, हालांकि मुझे लगता है राजा भैया की कहानी मैं सुना चुका हूं, और प्रतापगढ़ का नाम आते ही राजा भैया का नाम अपने आप सामने आ जाता, बाकी भी कहानी ढूंढता हूं। पूनम परमार का बड़ा प्यारा सा मैसेज है, सर नकल उतारती है आपका वो, और अगले दिन अपने पति को आपकी कहानी सुनाती है आपकी क्या आवाज़ में, क्योंकि उनकी पति की नाइट शिफ्ट होती है। पूनम परमार जी, थैंक यू वेरी मच, आप नकल उतारती, चलिए अच्छा करती हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत सारे लोगों ने कहा बोफोर्स की कहानी, बल्कि मुझे कभी तो बार तो हैरत होती है, कुछ ने एक ने भेजा है मुझे कि ताजमहल की कहानी सुनाइए, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं धीरे धीरे क्या करूँ। एक ने और मुझे कहानी एक दो ऐसी है जो मतलब जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं, एकदम लीक से हट के ऐसा लगता है जैसे सर के ऊपर से बाउंसर निकल गया। अब मैं भाई सोच रहा था उसको पढ़ के कि मैं ताजमहल की कहानी का क्या करूँ, क्योंकि हिस्ट्री पढ़े हुए भी ज़माना हो गया, और लेकिन फिर भी फरमाइश है, कोशिश करूंगा कि उस ताज के साथ अगर कुछ जुर्म जुड़ा हुआ है तो मैं ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा। सर आज ये गैंगस्टर की स्टोरी थी, तो कई सारे गैंगस्टर के नाम और भेज रहे हैं, माया डोलास, मानिया सुर्वे, इन सब के नाम। मानिया सुर्वे की मैंने अभी कहानी सुनाई है, हाल ही में सुनाई है आपको, ज़्यादा नहीं 10-15 दिन हो रहा होगा। इसके अलावा बहुत सारे गैंगस्टर अभी बचे हुए हैं, धीरे धीरे सभी की बारी आएगी, मैं सभी की कहानी आपको सुनाऊंगा। सर यूपी पुलिस हो या कोई और स्टेट की पुलिस, क्रिमिनल को इतनी खुली छूट क्यों देते हैं पहले कि वो खतरनाक हो जाए और फिर कार्रवाई करते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है कि हमारे जो सिस्टम, आज ही मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि आज कोई सर्वे हुआ था जिसमें ये था कि पुलिस वालों ने कहा कि 27% हमारा काम इसलिए सफ़र करता है क्योंकि हमारे ऊपर पॉलिटिशियन का दबाव होता है, हम इसलिए सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते हैं, बाकी ये है कि गवाह नहीं मिलते और भी बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, लेकिन ये उसी से जुड़ी हुई चीज़ है। एक्चुअली जब एक जो एक क्रिमिनल बन रहा होता है, पैदा हो रहा था, तैयार हो रहा होता, उस वक्त तक क्या होता है कि कुछ नेताओं का उसको संरक्षण मिला होता है। हमारे यहाँ सबसे प्रॉब्लम बड़ी यही है कि हर क्रिमिनल जब उसे लगता है कि हमें कुछ मुसीबत में है तो किसी एक नेता को पकड़ लेता है, और नेता को भी इलेक्शन में क्रिमिनल की ज़रूरत होती है, वोट की ज़रूरत होती है, धमकाने की ज़रूरत होती है, तो वो उनके सर पर हाथ रख देता है, और इस चक्कर में फिर जब नेता का उस पर हाथ होता है क्रिमिनल पर, तो पुलिस भी पीछे हट जाती है कि क्या करूँ, पकड़ के नेताजी का फ़ोन आ जाएगा। तो अगर ये चीज़ें शुरुआत से ही ना हो, हमारे एकदम मतलब सिस्टम का हिस्सा हो शुरू से ही कि चाहे कुछ भी हो जाओ नेताओं की सिफारिश नहीं सुनेंगे, तो शायद ये जो बहुत सारे क्रिमिनल जो बाद में इतने बड़े बड़े नाम जिनके हो जाते हैं वो हो ही नहीं, उनको शुरुआत में ही सबक सिखा दिया जाए।
लेकिन बदकिस्मती यही है कि जब तक ये सिफारिश या नेता और मतलब पॉलिटिक्स और क्राइम का जब तक संगम रहेगा, घालमेल रहेगा, तब तक ये चीज़ें खत्म नहीं होंगी। सर एक लास्ट सवाल, हाँ, नैनीताल से हैं ये और उत्तराखंड के कई सारे फैंस हैं, मैंने कई सारे देखा, उनका यही सवाल है कि आप उत्तराखंड से जुड़ी कोई क्राइम की कहानी, वहाँ के रेत माफिया या कोई किसी माफिया की कहानी, ड्रोन की कहानी। आपकी शिकायत आधी सही भी है आधी गलत भी है, क्योंकि उत्तराखंड की मैंने कहानी शायद सुनाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर डॉक्टर जिसने अपनी बीवी का 70 टुकड़े में करके डीप फ्रीजर में डाल दिया था, उसके अलावा भी एकाक और कहानी सुनाई है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सुनाई है। तो मैं उत्तराखंड के तमाम अपने क्राइम तक की फैमिली के जो लोग हैं उनसे वादा करता हूँ जल्दी उनको भी मैं उनकी पसंद की कहानी सुनाता हूँ, उनके स्टेट में जो भी बड़ी ऐसी क्राइम या जो चीज़ें हुई हैं मैं ज़रूर सुनाऊँगा। धीरे धीरे आप लोग, मतलब आप ही के लिए हूँ, आप ही के लिए बैठा हूँ, तो तमाम कहानियाँ जो है धीरे धीरे उनकी बारी आएगी और मैं सुनाऊँगा भी। तो आज इतना ही, क्योंकि अभी स्वामी चिन्मयानंद जी का भी हिसाब किताब करना है रात 11 बजे वारदात में, मौका मिले तो देखिए आज तक पे, क्योंकि आजकल तो बस वही खबर चल रही है। तो कल आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे ठीक इसी वक्त इसी दुआ के साथ। पूरी क्राइम तक फैमिली हमेशा अच्छी रहे, थैंक यू वेरी मच।